कृपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके साथ में डेयरी फार्मिंग रिलेटेड वीडियोस शेयर कर रहे हैं। आज का हम टॉपिक ले रहे हैं देसी गाय। हमारे भारत की देसी गाय यानी कि गिर गाय, कांकरेज गाय, साहिवाल गाय, हरियाणा और भी काफ़ी अच्छी नस्लें हैं जो कि दूध के अंदर भी काफ़ी अच्छी हैं, और इनके जो मेल काफ यानी कि जो आने वाले फ्यूचर के अंदर बैल तैयार होते हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। लेकिन आजकल साइंस का युग होने की वजह से इन बैलों की कोई कदर नहीं रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी काफ़ी संस्थाएं जो कि देसी गाय पे काम कर रही हैं, इवन कि हमारे भारत के अंदर गांव-गांव के अंदर गौशालाओं के अंदर करोड़ों रुपए का खर्च किया जा रहा है, और भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो देसी गाय पे काम कर रहे हैं, इसकी नस्ल पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि नस्ल पे ध्यान दिया जाए, दूसरी बात यह है कि इनके जो मेल काफ तैयार होते हैं इनको भी खेती के काम में लिया जाए। यानी कि जो छोटी मशीनें जो डीजल पेट्रोल से चलाई जाती हैं, जो भी पंप वगैरह, काफ़ी ऐसे हल छोटे छोटे, काफ़ी एग्रीकल्चर मशीनरी जो कि छोटे छोटे इंजन से चलती है, जो कि एक बैल बहुत ही इजीली चला सकता है, तो इन चीज़ों को इजाद किया जाए और इसकी तरफ हमारे अगर साइंटिस्ट ध्यान देते हैं तो देसी गाय की जान बचाई जा सकती है और इसकी कदर हो सकती है। क्योंकि अगर फुल डाइट मिलेगी, इसकी अच्छी केयर होगी, तभी गाय जो है ब्याने लायक होती है और मिल्क प्रोडक्शन में रहती है। नहीं तो बिना मिल्क प्रोडक्शन की गाय को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है, या कि असंभव काम है। बिना मिल्क प्रोडक्शन की गाय को संभाला नहीं जा सकता है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी साइंटिस्ट या कि जो एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, वो छोटी मशीनरियाँ ऐसी तैयार करें, और यानी कि हमारी जो धार्मिक संस्थाएं जो कि काफ़ी गाय वगैरह पालन कर रही हैं, वो भी साथ में इस मेल काफ के लिए मशीनरी पे ध्यान दें, तो काफ़ी इन गायों का भला हो सकता है। गाय का भला होने का मतलब है कि पूरी मनुष्य जाति का भला होना है। जो दर्शक चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पास का घंटी का बटन जरूर दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें कि आपको कौन सी वीडियो आगे देखने के लिए चाहिए, किन चीज़ों के आपको जवाब चाहिए, तो मैं आने वाले वीडियोज़ के अंदर उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।